नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज बात करेंगे मूलांक दो वाले की। देखिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, रेमेडी, कैरियर सब कुछ बताएंगे और अंत में रेमेडी भी बताएंगे कि किन चीजों का ध्यान रख के आप बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जानिए कि मूलांक दो जो होता है वो किन लोगों का होता है। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, इन 4 डेट में जिनका जन्म होता है उनका मूलांक दो होता है। कैसे होता है वो आप देख लीजिए। 2 का 2 होता है, 11 का 1+1 2 होता है, 20 का 2+0 2 होता है और 92 का 2+9 11 और 11 में 1+1 2 होता है। तो इन 4 डेट में किसी भी एक डेट में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 2 है। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मूलांक 2 वाले का नेचर कैसा होता है। देखिए नेचर जो आपका होता है, चूंकि मूलांक 2 का जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा होता है यानी कि मून होता है, तो जो आपका नेचर होता है वो मून से बहुत प्रभावित होता है। जैसे आप रोमांटिक बहुत होते हैं, आपको थोड़ी सी भी खुशी जीवन में मिले तो फट से रोमांटिक हो जाते हैं, आप लोगों को फट से आकर्षित भी कर लेते हैं। आकर्षित करने की क्षमता लोगों को आप में होती है। आप कलाकार होते हैं, आप में कला बहुत अच्छी होती है। उसके साथ साथ इमेजिनेशन, जो आपकी काल्पनिक शक्ति होती है, कल्पना करने की शक्ति, वो बहुत अच्छी होती है। स्वभाव से आप शांत होते हैं और हृदय से भी आप अच्छे होते हैं, दिल के आप अच्छे इंसान होते हैं, स्वभाव आपका शांत होता है, ये आपका नेचर। देखिए आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ भी मैं बता देता हूं। स्ट्रेंथ में क्या है कि आप मेहनती तो होते ही हैं, उसके साथ साथ आप क्रिएटिव होते हैं। आप नए नए आइडियाज अपने आपके दिमाग में आता है और आप नई नई क्रिएटिविटी करते हैं। आप क्रिएटिविटी के जरिए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हर चीज को अलग तरीके से करने की ताकत आप में होती है। आप गहराई से हर चीज पर सोच सकते हैं, ये आपका स्ट्रेंथ होता है। और उसके साथ साथ लोगों को आकर्षित करना, लोगों को मोह लेना अपने अच्छे व्यवहार से, ये शक्ति भी आपके अंदर होती है। और रोमांटिक होना ये भी आपका पावर होता है। आप माहौल को चेंज करने की शक्ति रखते हैं, लोगों को हंसाने की शक्ति रखते हैं, ये चीज भी आपके अंदर होता है। देखिए जो वीकनेस है, वीकनेस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वीकनेस आपका जो होता है वो थोड़ा सा ये होता है कि अगर परिस्थिति थोड़ी दुखद हो जाए या थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति आपके जीवन में आ जाए तो आप बेचैन थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। आप में थोड़ा आत्मविश्वास की कमी होती है, ये निश्चित रूप से होता है कि आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है। और आप जो भी विचार या योजना बनाते हैं तो उसको बीच में कभी कभार छोड़ देते हैं। तो ये 3 चीज पर अगर आप कमांड करें, आप जो योजना बनाते हैं उसको अंत तक पूरा करें और मन को थोड़ी आप शक्ति दें, मन आप अपना स्थिर रख सकें, तो आप बहुत कमाल के इंसान होते हैं। और तनावपूर्ण स्थिति में भी, दुखद स्थिति में भी थोड़ा अपने आप को बैलेंस रख सकें तो आप बहुत अच्छे तरक्की आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। और उसकी रेमेडी भी हम बताएंगे कैसे आप रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं ऑस्पिशियस डेट की। जो आपका ऑस्पिशियस डेट होता है वो 2 तारीख होता है, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख। और जो दिन होता है आपके लिए शुभ वो रविवार होता है, सोमवार होता है और शुक्रवार होता है। कलर में देखिए आपके लिए जो अच्छा कलर होता है, सफेद कलर हो गया आपके लिए सौभाग्यशाली, हल्के हरे रंग का कलर हो गया सौभाग्यशाली आपके लिए। उसके साथ साथ जो कलर आपको अवॉइड करना चाहिए वो काला कलर है, काला कलर को आप अवॉइड करिए। लाल कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोन में देखिए आप, स्टोन में आप मोती पहन सकते हैं कंसल्टेंसी के बाद, या मून स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कुंडली कंसल्टेंट करने के बाद ही आप उसको पहनिएगा। देखिए आपको जो रेमेडी है वो मैं बता दूं, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका कैरियर क्या है। देखिए कैरियर में आप, चूंकि आप एक्टर बहुत अच्छे हैं तो एक्टिंग का कैरियर भी आपके अच्छा, आपका अच्छा होता है। जहां खुद को एक्सप्रेस करना, खुद को प्रेजेंट करने वाली बात होती है वो सब कैरियर आपके लिए अच्छा होता है। जैसे मीडिया हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में भी कई लोग, आप देखिए शाहरुख खान का 2 है डेट ऑफ बर्थ, तो उनका भी मूलांक 2 है, बहुत रोमांटिक है वो, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ये सब जो क्षेत्र हो गया, सुंदरता का क्षेत्र हो गया, क्रिएटिविटी का जो भी क्षेत्र हो गया, एक्सप्रेशन का क्षेत्र हो गया, एक्टिंग का क्षेत्र हो गया, ये सब क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप ब्यूटिशियंस भी हो सकते हैं, वो सब क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके साथ साथ अब जो आपको देखना है वो आपकी रेमेडी है। रेमेडी में आप ध्यान दीजिएगा कि जो चंद्र है आपका, चूंकि मूलांक का मालिक जो आपके हैं वो चंद्र होते हैं और चंद्र के मालिक जो होते हैं भगवान शंकर होते हैं, तो शिव जी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो आप तनाव से भी मुक्त रहेंगे, आप जो आपकी कमजोरियां हैं, छोटे छोटे परिस्थिति में आप घबरा जाते हैं, वो भी आपका कंट्रोल होगा, मन भी आपका स्थिर रहेगा और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। इसके साथ अगर आपको कोई और समस्या समझ में आती है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारी वीडियोज ऐसे ही मैं देता रहता हूं अपने चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।